म्यूज़िक वीडियो के पोस्टर रिलीज से पहले एल्विश यादव ने मनीषा रानी और उनके फैंस को दिया ये बड़ा तोहफा। मनीषा के लिए एक बार फिर रोमांटिक हुए राव साहब। राव साहब के बदले सुर राव साहब से बन गए रोमांटिक SRK। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा TV का। एल्विश यादव के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, एल्विश यादव के बारे में एक बात तो साफ है कि एल्विश का भी दिल मचल गया है और वो नन अदर देन मनीषा रानी है। वैसे तो आज एल्विश म्यूजिक वीडियो का एक पोस्टर रिलीज हुआ है, लेकिन इस रिलीज के पहले सेम आपको इंसिडेंस कह लीजिए या फिर ये एक सोची समझी साजिश, लेकिन मैं आपको बता दूं मनीषा का जैसे ही स्टोरी आया उसके बाद एल्विश ने किंग खान के सॉन्ग पर जिस तरीके से रोमांटिक होते हुए नजर आए उसके बाद साफ है कि SRK के मूड में वो मनीषा रानी को बिल्कुल अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। SRK के वो सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं वो गाते हुए नजर आए हैं और एल्विश के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी रूमर्स आ रहे हैं ना, जब तक एल्विश खुद ब खुद कन्फर्म ना कर दे आप मत विश्वास करना। एल्विश जो है ये बात साफ है कि वो मनीषा के प्यार में है, एल्विश यादव को लगाव हो गया है मनीषा से और आज भी एक बार फिर को इंसिडेंस देखने को मिला है। देखो जो लोग एल्विश को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता है कि एल्विश यादव उतना रोमांटिक नहीं होता क्योंकि वो बंदा मार धाड़ और सख्त रहने वाला है, लेकिन अब एल्विश यादव जो रोमांटिक हो रहे हैं SRK के सॉन्ग सुनने लगे हैं, DDLJ के सॉन्ग सुनने लगे हैं, कल हो ना हो के सॉन्ग सुनने लगे हैं, तो साफ तौर पर बताता है कि एल्विश यादव का जो दिल है वो आ गया है मनीषा पर। और मनीषा के ही को इंसिडेंट से एल्विशा फैंस मैच भी कर रहे हैं, दोनों की सेम टाइम पे स्टोरी, दोनों के सेम टाइम पे ड्रेसिंग सेंस, सब चीज़ इतना ज़्यादा खास है कि एल्विशा फैंस को एक बार फिर एल्विश और मनीषा दोनों ने खुश कर दिया है। आप बताना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।